बेलारूस की बात करते हैं। आज यहां से ऐसी खबर सामने आई है जिसने 31 शक्तिशाली देशों में तहलका मचा दिया है। इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो गई है, वजह है 30 सेकंड का एक वीडियो, और इस वीडियो में बेलारूस ने अपने देश में मौजूद परमाणु बम का बटन दिखा दिया है। Символизмом занимаемся или уж очень радуемся по поводу ядерного оружия. Это просто символически. Символически. Да. 30 सेकंड के इस वीडियो ने दुनिया में सनसनी मचा रखी है। सिर्फ 30 सेकंड के इस वीडियो में दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की झलक क्यों दिख रही है? इस एक वीडियो से 31 देशों में एक साथ क्यों इमरजेंसी सायरन बज उठा है? सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में रिकॉर्ड हुई आवाज को सुन लीजिए। Пусть наши враги не думают, что мы тут символизмом занимаемся или уж очень радуемся по поводу ядерного оружия. Это просто символически. Символически. Да. इसमें एक तरफ बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, दूसरी ओर बेलारूस के रक्षा मंत्री विक्टर स्वेनिन है, और बेलारूस के रक्षा मंत्री अपने राष्ट्रपति को परमाणु बम की एक रेप्लिका भेंट कर रहे हैं। बेलारूस के रक्षा मंत्री का कहना है कि यह 1949 में सोवियत संघ का बनाया गया पहला प्रतीकात्मक परमाणु बम का मॉडल है। Разрешите, прежде чем приступить к докладу о выполненных задачах, состоянии вооруженных сил, очень кратко я это выполнить одну почитаю. Миссию по бомбу согласованию. Привез. Так точно. Ой, я бомбу привез, да? Так точно, товарищ президент. Вручить символично первая ядерная бомба, которая была... पूरी दुनिया को पता है कि रूस ने अपने परमाणु बमों को बेलारूस में फिट कर दिया है। बेलारूस के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसकी पुष्टि कर चुके हैं कि परमाणु बमों की पहली खेप बेलारूस पहुंच गई है, और अब बेलारूस के रक्षा मंत्री विक्टर स्वेनिन ने उस परमाणु बम के मॉडल को लुकाशेंको को भेंट कर दुनिया के सामने न्यूक्लियर पिक्चर पेश की है। साथ ही साथ बेलारूस से खार खाए देशों को बिना कुछ कहे बहुत ही बड़ी चेतावनी दे दी है। आगे बढ़ने से पहले लुकाशेंको और विक्टर स्वेनिन के बीच इस मौके पर क्या बातचीत हुई, इसे सुन लीजिए। Так это старое. Так точно. Современное по-другому смотрится. Я потом расскажу, точку зрения, как они чем отличаются и выглядят это уже. Ну вот, чтобы символично было, что это у нас все. Копия, да? Это копия первой самой ядерной бомбы, которая была изобретена в Советском Союзе. Пусть наши враги не думают, что мы тут символизмом занимаемся или уж очень радуемся по поводу ядерного оружия. Это просто символически. Символически. बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के ऑफिस से इस वीडियो के सामने आने के बाद दुनिया में बढ़ गया है परमाणु फीवर। नाटो कैंप्स में फैल गया है न्यूक्लियर फियर। सवाल है, क्या बेलारूस और रूस ने ले लिया है सबसे बड़ा रिस्क? क्या तीसरे विश्व युद्ध को कर दिया है फिक्स? इस वीडियो को देख पेंटागन हुआ परेशान, ब्रिटेन हुआ हैरान, नाटो देशों में खलबली, दुनिया परमाणु युद्ध के खौफ से डरी, क्योंकि अब मुश्किल है लुकाशेंको और पुतिन को मनाना। बन गया है नया ठिकाना, शुरू हुआ परमाणु बम को लगाना। बेलारूस पहुंच गया एटम बम, परमाणु बम के नए सेंटर से नेटो हुआ बेदी, क्योंकि परमाणु युद्ध के खतरे से नेटो हुआ हल्का। अमेरिका परेशान, ब्रिटेन का मिट सकता है नामो निशान। रूस ने बेलारूस में पहले अपना परमाणु हथियार तैनात किया, और अब वैगनर आर्मी के वहां पहुंचने के बाद से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि बेलारूस में परमाणु ठिकानों के पास वैगनर के 8,000 लड़ाके पहले से तैनात हैं।
सवाल यह है कि क्या पुतिन के बाद अब बेलारूस के राष्ट्रपति ओलेक्जेंडर लुकाशेंको वैगनर के लड़ाकों को अपने दुश्मनों के खिलाफ उतारने वाले हैं, क्योंकि बेलारूस में एक तरफ परमाणु ठिकाने तैयार हो गए हैं, वहीं अब वैगनर ग्रुप के कैंप बन रहे हैं और जो कोर कसर बाकी थी वो पुतिन के परमाणु हथियारों वाले बयान से पूरा हो जाता है। Вот. Но такая возможность есть, все это понимают. Все просто ждут, что мы начнем кнопки нажимать. Но нет такой необходимости. Как тисре विश्व युद्ध का एपिसेंटर बेलारूस बनने वाला है? क्या रूस और नाटो के बीच युद्ध बेलारूस की धरती पर होने वाला है? क्या महीनों से परमाणु हथियारों की धमकी देते आ रहे पुतिन अब वाकई उन्हें चलाने के मूड में लग रहे हैं? रूस ने यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस में परमाणु हथियार उतार दिया है। रूस परमाणु हथियारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ यूक्रेन के पूर्व में खुद बैठा है। वहीं यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर में भी पुतिन की परमाणु पनडुब्बियां तैनात हैं और उसके उत्तर पश्चिम में पोलैंड के पास रूस के कलिनिनग्राद में भी परमाणु हथियार मौजूद है। १९९१ में सोवियत संघ के पतन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। रूस का परमाणु बम रूस से बाहर पहुंच चुका है। ऐसा पहली बार है जब दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणु बम रखने वाले देश ने अपने बॉर्डर के बाहर परमाणु हथियारों की तैनाती की है। बेलारूस में रूस की मिसाइलें तनी हुई हैं। बेलारूस में रूस के लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। बेलारूस में रूस के टैंक दौड़ रहे हैं। बेलारूस में रूस के सैनिक मोर्चा बनाकर डटे हुए हैं। बेलारूस में रूसी मिसाइलों की तैनाती से नाटो में पहले से ही खलबली मची थी। अब बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार भी फिट हो गए हैं। रूस बेलारूस की सेना को इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेनिंग दे चुका है। इस ट्रेनिंग का मतलब है कि बेलारूस के सैनिक अब पुतिन की परमाणु मिसाइल को फायर करना सीख गए हैं और अब रूस का परमाणु बम ही बेलारूस पहुंच गया है। अब ऐसे में ऑर्डर पुतिन का होगा या फिर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर मिसाइल बेलारूस में है तो इस पर लुकाशेंको के ऑर्डर से कौन इनकार करेगा? बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों की तैनाती का सबसे अधिक खतरा यूक्रेन की राजधानी कीव को है, क्योंकि बेलारूस यूक्रेन का पड़ोसी देश है और उसके बॉर्डर से कीव ज्यादा दूर नहीं है। दोनों के बीच फासला 90 किलोमीटर के आसपास का ही है। बेलारूस में परमाणु हथियारों को उतारकर पुतिन की तैयारी यूक्रेन को दो दिशाओं में घेरने की है। रूस खुद यूक्रेन का पड़ोसी है, इसी वजह से पिछले साल रूस की सेना यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस से ही घुसी थी। रूस के साथ साथ बेलारूस में भी परमाणु हथियारों का अड्डा बन जाने से यूक्रेन के साथ साथ नाटो के भी होश उड़े हुए हैं, क्योंकि इससे नाटो भी पुतिन के परमाणु बमों के डायरेक्ट रेडार पर आ गया है। इसकी वजह यह है कि बेलारूस पोलैंड, लिथुआनिया और लात्विया जैसे देशों का भी पड़ोसी है। बेलारूस इनसे 1,250 किलोमीटर लंबा बॉर्डर साझा करता है और पोलैंड, लिथुआनिया और लात्विया नाटो के सदस्य हैं। बेलारूस की अपने इन तीनों पड़ोसियों से रत्ती भर भी नहीं बनती। अब तक वो अपने दुश्मनों को बस धमकाता रहता था, लेकिन अब उसे रूस के परमाणु बमों की ताकत मिल गई है। अब रूस के न्यूक्लियर बम बेलारूस की जमीन पर तैनात हो गए हैं, जिसके चलते यूक्रेन से लेकर अमेरिका की अगुवाई वाला नाटो भी परेशान है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने दावा किया है कि उसने बेलारूस के सैनिकों को परमाणु हथियार चलाने की पूरी ट्रेनिंग दे दी है और अब बेलारूस में रूस के परमाणु बम भी पहुंच गए हैं। Разрешите, прежде чем приступить к докладу о выполненных задачах, состоянии вооруженных сил, очень кратко я выполнить одну почитаю. Миссию по бомбу согласованию. Привез. Так точно. Бомбу привез, да? Так точно, товарищ президент. Вручить символичную первую ядерную бомбу, которая была... Это старая. Так точно. Современная по-другому смотрится. Я потом расскажу, товарищ президент, как они чем отличаются и выглядят это уже. Ну вот, чтобы символично было, что это у нас все копия, находится. Да? Это копия первой самой ядерной бомбы, которая была изобретена пусть, в Советском Союзе. Пусть наши враги не думают, что мы тут символизмом занимаемся или уж очень радуемся по поводу ядерного оружия. Это просто символически. Это символически.
यही वजह है कि अब नेटो देशों से ये आवाज उठनी शुरू हो गई है कि रूस और बेलारूस के परमाणु मेल को तोड़ने के लिए अब सख्त कार्रवाई का समय आ गया है। ऐसे में अगर नेटो ने बेलारूस के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो रूस भी उसमें कूद पड़ेगा और रूस के युद्ध में शामिल होने के बाद विश्व युद्ध का होना तय।